भारत में हिंदुओं के लिए धनतेरस और दिवाली बड़े त्योहारों में से एक है। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, गाड़ी, बर्तन, मकान जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। धनतेरस के दिन मार्केट में अलग ही रौनक होती है, और अगर आप इस रौनक का मजा लेने जा रहे हैं और सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उनका ध्यान जरूर रखें और किसी भी फ्रॉड से बचें। सोना खरीदते वक्त हॉलमार्क जरूर चेक करें। ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लोगों को सोना खरीदने से पहले उस पर बने हॉलमार्क निशान को चेक करने को कहता है। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की प्रमाणिकता देता है। इसके साथ ही ज्वेलर सोने पर बने बेदाग कोड, टेस्टिंग फोकस, इम्प्रिंट और ज्वेलरी पर लगे स्टैंपिंग के समय का भी ध्यान रखने को कहते हैं। सोने के प्राइस को जरूर क्रॉस चेक करें। सोना एक ऐसी कमोडिटी है जिसके प्राइस में उतार चढ़ाव होता रहता है। ऐसे में दुकान पर जाकर सोना खरीदने से पहले अपने शहर के सोने के प्राइस को क्रॉस चेक जरूर कर ले। ध्यान रखें कि आप किसी तरह का सोना चांदी 24 कैरेट, 22 कैरेट या 18 कैरेट में खरीद सकते हैं। 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध और महंगा होता है, वहीं आमतौर पर ज्वेलरी 22 कैरेट सोने से ही बनती है। सोना खरीदते वक्त आप अपने ज्वेलरी स्टोर में मेकिंग चार्ज पर ध्यान दें, यह सभी स्टोर्स में अलग अलग होता है। कोशिश करें कि ज्वेलरी खरीदने में आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही ज्वेलरी शॉपिंग के बाद उसकी पक्की रसीद जरूर लें। अगर आप ज्वेलरी की ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ध्यान दें कि उसकी सील ना टूटी हुई हो। अच्छे ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदें। ध्यान रखें कि ज्वेलरी हमेशा अच्छी और भरोसेमंद ज्वेलर से ही खरीदें, इसमें फ्रॉड होने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ आप चाहें तो RBI के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड भी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप से खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।